और कैसे हो मेरी YouTube फैमिली एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड एंड और अनदर वीडियो। कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर ऑल गुड एंड होने भी चाहिए। सो गाइस, आज हम ना DJ Osmo Action 3 इसके बारे में कुछ बात करेंगे। उससे पहले यार काफ़ी मतलब टाइम हो गया व्लॉग्स डाले हुए, मतलब राइड पे भी जाए हुए। यही है, छोटे मोटे व्लॉग्स बना लेता हूँ, लोगों को मैं इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड कर देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को ऐसे डाउट्स होते हैं। बट एक हो रहा है ना कि वो प्रॉपर यार रेस भगाना, राइड पे जाना जैकेट पहन के, वो सब आ नहीं रही। वो सब के लिए यार थोड़ा सा मेरे दोस्त यार पता नहीं कहाँ गायब हो चुके हैं, पता नहीं मन नहीं है इनका। बट आएगा, बहुत जल्दी आएगा टाइम। ये लोगों स्कूटी सिखा रहे हैं, वेरी गुड। और लो इनके बीच से कटिंग। हाँ, अंकल का रिएक्शन था। इस पे रिएक्शन नहीं आएंगे तो किसके आएंगे। तो चलो भाई फटाफट से वीडियो को अब स्टार्ट कर देते हैं अच्छे से। सो भाई, जैसा मैं बता ही रहा था आपको कि आज हम कुछ छोटी मोटी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। कि अब मैं बताता हूँ यार, मैं काफ़ी लोगों के कमेंट्स वगैरह देखता हूँ, काफ़ी सारी क्वेरीज हैं लोगों के मन में। सो आज मैं ऊपर से बताऊँगा, बिल्कुल डीपली नहीं जाऊँगा कि उस चीज़ के बारे में ही घुस जाऊँ। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में एक वो फ्रॉड का बताया, एंड में वो फ्रॉड का बस बताता ही रह गया। सो देखो, छोटी वीडियो रखूँगा ताकि आप लोग भी बोर ना हो। मुझे पता है यार इतनी देर नहीं देखा जाता। तो चलो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ, एक सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ। भाई ज़रा स्क्रीन चेक कर रहे हो फ़ोन की? अब इसमें मैंने कुछ नोट्स बना रखे हैं, वायरिंग ब्लैक नीट क्लीन सेटअप। अब भाई देखो फटा, जो पहला पॉइंट है अपना जो कि है वायरिंग का। अगर कोई भी यार सैमसंग का AKG लेता है ना माइक के लिए कि वॉइस क्वालिटी अच्छी आनी चाहिए, भाई ले सकता है। मैं रिकमेंड करूँगा भाई ब्लैक कलर ही लेना, ठीक है। मैंने यार वाइट ले लिया था, मतलब एक शॉप में मोबाइल फ़ोन से, वहाँ पे ब्लैक नहीं था। एंड अब स्क्रीन में देखो भाई क्या हुआ। अब जैसे कि गाइस आप लोग स्क्रीन में देख ही रहोगे कि यार ये जो वाइट वाला मेरे पे AKG का है सैमसंग, पूरा एक साइड से गंदा हो गया, जो कि ना हेलमेट के बाहर जो हम कैमरे को कनेक्ट करते हैं, जो बाहर की साइड रहता है ना, वो हिस्सा पूरा पीला पड़ चुका है, जबकि पूरा वाइट था यार बिल्कुल। और बाकी देख लो, बाकी अनयूज्ड है। मैंने आज तक ईयरफोन को कान में भी नहीं लगाई, यूज़ तक नहीं किया। सो ऐसा कुछ हो जाता है यार अगर आप वाइट लेते हो तो। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि वाइट मत लेना, ब्लैक ही लेना। अब मैंने जो इसका सोल्यूशन डाला कि हाँ चलो बहुत लोगों ने ले लिया होगा मेरी तरह ही कि वाइट ले लिया, ऑप्शन नहीं था। सो अब वाइट ले लिया, पछता रहे हो तो भाई अब ये भी देख लो, ठीक है। अब मैं आपको एक बार फ़ोन से फिर से दिखा देता हूँ कि इसका मैंने क्या सोल्यूशन किया है। सो भाई ये चेक करो यार, कहाँ गया वाइट? वाइट नहीं है भाई, ब्लैक है ये, ठीक है। ये है ब्लैक, इस पर कर दिया है मैंने ब्लैक कलर की टेप लगा दी है, जो कि वायर को कटने से भी बचाएगा और जो गंदा हो रहा था वो भी अब काफ़ी अच्छा नीट एंड क्लीन लुक आ चुका है, ठीक है। तो भाई सबसे पहली प्रॉब्लम जो मैं बताना था जो कि यही है, आप ब्लैक टेप यूज़ करो। अगर आपके वाइट है तो ईजिली काफ़ी अच्छा नीट एंड क्लीन लुक दे देगा, ठीक है। तो चलो, सो गाइस वायरिंग का इशू रिजॉल्व। अब दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि भाई माइक क्वालिटी, जो डेसिबल होता है वो कितने पे सेट करना चाहिए। लोग बहुत चीज़ें बोलते हैं, इवन मेरा ही एक दोस्त है उसने -4 decibel पे सेट किया हुआ है। मैं कहता हूँ भाई +2 decibel पे सेट करो, ठीक है। ये जो भाई की जो साउंड आ रही है ना, ये +2 decibel में बहुत प्यार से आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लो अब वाइजर भी मैंने बंद कर दिया है, तब भी आपको बाइक की साउंड आएगी, देखो जब भगा रहा हूँ मैं, ठीक है। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे बाइक की साउंड नहीं आ रही, भाई तुम लोग ले लो नए हेडफोन, तुम्हारे पास ना ढंग का फ़ोन नहीं है। मुझे तो आती है भाई बाहर की आवाज़, मैं जब जब सुनता हूँ। पहली बात, अगर बाहर की साउंड आने लगी ना तो तुम लोग कहोगे कि भाई बाहर का शोर आ रहा है,
तुम्हारी वॉइस फट रही है, ठीक है, वो भी तो दिक्कत है। अब बाहर का शोर आने लगेगा तो मेरी वॉइस फटी फटी बोलोगे। अब मेरी वॉइस आ रही है जब अच्छी खासी, तो तुम बोल रहे हो कि भाई बाहर का शोर आ रहा है। तो भाई ऐसे लोगों का तो मैं कुछ कर नहीं सकता। खैर वही है, 100 में से एक बंदा होता है जो ऐसा कमेंट करता है। बाकी चलो अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि डेसिबल जो मैं कह रहा हूँ +2 decibel पे रखना यार, वॉइस भी आ रही है ना वो ही आएगी। हीटिंग इशू एक बंदे ने कहा था यार, हीटिंग इशू होती है या नहीं? भाई देखो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड कैमरे पे आप कहीं पे भी हाथ लगा लो, केस पे तो कोई हीट नहीं लगेगा। बट रही बात जो फ्रंट पे जो एक स्क्रीन लगी होती है जो कि आगे पीछे दिखती है, जो स्क्रीन में टच करोगे ना तो थोड़ा मतलब लगेगा कि गर्म हो रहा है, क्योंकि मैं तो वैसे ही 4K बना रहा हूँ, ऊपर से धूप में बना रहा हूँ। बट हाँ हीट हो रहा है, हीट होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैमरा फट नहीं जाएगा। GoPro में हाँ यार मैंने देखा था हीट होके ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, कि बाहर बहुत धूप है, अगर इवन आईफोन में भी हो जाता है धूप होने के कारण बंद हो जाता है कैमरा। सो ऐसा ही सीन है GoPro के साथ भी, जल्दी बंद हो जाता है। बट DJI के साथ ऐसा कुछ नहीं है, बंद नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, हीटिंग हो रही है, थोड़ी देर में नॉर्मल सेट हो जाएगा। अब बाकी यार ये देखो, अब है अपना एडिटिंग ऐप हाई क्वालिटी एक्सपोर्ट एंड हाउ टू कनेक्ट कैमरा विद फ़ोन, इसकी मैं एक वीडियो बनाऊंगा यार। ये जो लास्ट पॉइंट मैंने बताया कनेक्ट कैसे करते हैं, बिकॉज बहुत ईजी है फ़ोन को कनेक्ट करना एंड उसके अंदर सब कुछ बताऊँगा किसी और दिन। बट आज के लिए सिर्फ इतना ही। और जो मैंने एडिटिंग ऐप यूज़ करता हूँ, बंदे पूछते हैं कि यार कैसे एडिट करते हो भाई, ये इस फ़ोन में चलेगा या नहीं, तो मैं अपना बता देता हूँ। मैं मतलब आईफोन यूज़ करता हूँ एंड एक्सपोर्ट मतलब जो रिकॉर्डिंग क्वालिटी आपको पता ही है, 4K 60 अल्ट्रा वाइड, नहीं तो 2.7K 60 अल्ट्रा वाइड, उससे नीचे बिल्कुल भी नहीं, तो ये रेजोल्यूशन रहती। एंड मैं VN ऐप यूज़ करता हूँ, VN ऐप से एक्सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। अब VN ऐप में वही ऑटोमेटिकली वो कैच कर लेता है, अगर 4K की रिकॉर्डिंग हो तो 4K ले लेता है, 2.7K होगी तो वो 2.7K ले लेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड टू उसके बाद एक्सपोर्ट HDR का ऑप्शन आता है, HDR ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, HDR ऑफ ही रखना, मोस्टली फ़ोन्स में HDR का ऑप्शन आ जाता है। बाकी भाई यही है, किसी और को कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। पीछे भाई बंदे डर गए होंगे, तो चलो भाई ठीक है, कुछ और क्वेश्चन हो भाई पूछ सकते हो, बता दूंगा मैं। बाकी मिलते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट व्लॉग में, सी यू सून, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।